अंदर एंटोनिया माइलो मचा देते, क्या क्या नहीं जलाती इटली वाली, इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूँ कि आप अपने कार्यक्रम, अपने वीडियो, अपने परिवार वालों को मत दिखाना, अपने बच्चों को मत दिखाना, नहीं तो वो भी आपकी तरह ऐसे तालियां बजाना सीख जाएंगे। पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर रिपब्लिक टीवी ने एक डिबेट कार्यक्रम किया। इस दौरान चैनल के संपादक और एंकर अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर हमला बोला। अर्नब ने अपने शो में कहा था कि अगर किसी मौलवी या पादरी की इस तरह से हत्या होती तो क्या मीडिया, सेकुलर गैंग और राजनीतिक दल आज शांत होते? अगर पादरियों की हत्या होती तो क्या इटली वाली एंटोनियो माइनो, इटली वाली सोनिया गांधी आज चुप रहती? 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूँ और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया माइलो मचा देते, क्या क्या नहीं जलाती इटली वाली, इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूँ अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ। इस वाक्य के बाद अर्नब गोस्वामी की पूरे देश में बहुत निंदा हुई। देश के कई हिस्सों में अर्नब के खिलाफ FIR भी हुई और इन्हें अरेस्ट करने की मांग भी उठने लगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री TS सहदेव ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान गवर्नमेंट के स्टेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई। इसकी जानकारी उन्होंने भी ट्वीट करके दी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने वीडियो मैसेज जारी कर अर्नब गोस्वामी पर काफी निशाने साधे और कार्रवाई की मांग की। आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बुनियाद बड़ों के लिए आदर, महिलाओं के लिए विशेष सम्मान और त्याग पर टिकी हुई है। वो तीनों चीजें आप जिस महिला का आपने अनादर किया है उनसे सीख सकते हो अर्नब गोस्वामी। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने कार्यक्रम, अपने वीडियो, अपने परिवार वालों को मत दिखाना, अपने बच्चों को मत दिखाना, नहीं तो वो भी आपकी तरह ऐसे तालियां बजाना सीख जाएंगे। अपने दोस्तों से पूछना और फीडबैक लेना कि जब आप ऐसे तालियां बजाते हो तो कैसे दिखते हो अर्नब गोस्वामी। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि आप जिस तरह से आप शब्द यूज करते हैं, आप देश को बांटने का धर्म से बाहर आओ, मैं आपकी कड़ी निंदा करता हूँ। देर रात मुंबई में अपने ऑफिस से घर लौटते वक्त कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अर्नब पर हमला कर दिया। हमले के बाद इसकी जानकारी रिपब्लिक टीवी ने अपने ट्विटर पर दी। पर यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि रिपब्लिक टीवी ने रात 1:07 पर ट्वीट किया, लेकिन उनके ट्वीट करने से पहले ही BJP के अशोक पंडित ने 12:55 पर ट्वीट करके अर्नब पर हमले की जानकारी दी। इतना ही नहीं, BJP के एक और नेता संबित पात्रा ने भी 1:05 पर ट्वीट कर अर्नब पर हमले की निंदा की। गौर करने की बात यह है कि आखिर चैनल पर न्यूज आने से पहले इन्हें कैसे पता लग गया? अर्नब गोस्वामी ने हमले के बाद एक वीडियो मैसेज भी जारी किया जिसमें अपने ऊपर हुए हमले की उन्होंने जानकारी दी। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सोनिया गांधी दैट यू आर द बिगेस्ट कावर्ड इन दिस कंट्री राइट नाउ। यू सोनिया गांधी ट्राइड टू कैरी आउट एन अटैक ऑन मी when I was driving back from work. You know the questions I have asked you are absolutely appropriate. You have no guts to face me. My questions against you will increase. The questions I am asking you are legitimate questions. You tried to attack me. You tried to attack my wife. You tried to attack both of us while we were coming back. And I will hold you personally responsible for any consequences of any attack on me. I want to tell everyone who's watching this tonight that if anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible.
आपको बता दें कि इससे पहले भी अपने ऊपर हुए हमले को लेकर अर्नब झूठ बोल चुके हैं। अर्नब ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 2000 में गुजरात दंगों को कवर करने के दौरान उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री आवास के पास एक भीड़ ने घेर लिया था और उन्हें और उनकी टीम पर हमला कर दिया था। Never be afraid. In 2002, yesterday I was doing a program. And in this program, it was about Gujarat. You know, in life, your own experiences come back to you. I remember coming out of Narendra Modi's house after interviewing him in the height of the riots in 2002. And we came out 50 meters from his residence. We are stopped. Suddenly, our ambassador car is stopped and there are people who are breaking the windows with trishuls. They are breaking the windows. All the windows are broken. It's almost as if there are trishuls all around. And I know this is very unsavory, but I must share with you the reality of life as I see it. इस बात का झूठ तब सामने आया जब वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करके लिखा, वाओ माय फ्रेंड अर्नब क्लेम्स हिज कार अटैक नेक्स्ट टू सीएम रेजिडेंस इन गुजरात रॉयट्स, ट्रुथ ही वाजंट कवरिंग अहमदाबाद रॉयट्स। राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि उनके दोस्त अर्नब गोस्वामी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी कार पर हमला हुआ, जबकि सच ये है कि वह तो अहमदाबाद रॉयट्स कवर भी नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस बात का असर सच सीनियर जर्नलिस्ट नालिनी मेहता ने अपने ट्वीट करके बताया। उन्होंने लिखा कि ये हादसा असल में राजदीप सरदेसाई के साथ हुआ था, हमें ये पता है क्योंकि हम वहीं थे। हम ये नहीं कह सकते कि इस बार अर्नब झूठ बोल रहे हैं या सच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही निंदा योग्य बात है, और अगर झूठ तो ये अर्नब काटपी के लिए एक और खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.